बसमर वहीकुम चैप्टर नंबर एवन क्या आज मेरे करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन पॉइंट वन है व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशंस फ़ॉर द प्रोडक्शन ऑफ़ साउंड साउंड की प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो नेसेसरी हैं अगर वो कंडीशंस ना हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो जनरली हमारे पास दो कन्डीशन ऐसी होती हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है और वो प्रोपोगेट कर सकती है तो देर आर टू नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड फर्स्ट है वाइब्रेटिंग सोर्स अगर कोई सोर्स नहीं होगा वाइब्रेटिंग तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करेगी ठीक है पहली कंडीशन क्या है हमारे पास वाइब्रेटिंग सोर्स होना चाहिए जबकि सेकेंड कंडीशन है मीडियम होना चाहिए अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव्स जो है वो स्प्रेड नहीं कर सकती वो ट्रेवल नहीं कर सकती ठीक है।, है जी तो इसका मतलब ये भी है कि जो साउंड वेव्स हैं वो एक मैकेनिकल वेव है जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है तो so, दो कंडीशन हैं ब्रेडिंग सोर्स एंड मीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेवन पॉइंट टू वट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड जो मीडियम का मीडियम का स्पीड ऑफ़ द साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड क्या मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है या नहीं कर रही होती है? अगर कर रही होती है तो इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर तो फिर किस मीडियम में साउंड जो है वो फास्टर ट्रेवल करेगी तेज़ ट्रेवल करेगी एयर में जो कि गैस होती है सॉलिड में या फिर लिक्विड में आपने अपने आंसर भी बताना है कि किस में ज़्यादा करेगी और आपने उस अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है जस्टिफाई का मतलब होता है आपने कोई रीजन बतानी होती है आपने रीज़न पेश करनी होती है तो पहली बात पहले सवाल का आंसर तो ये है द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन डिफरेंट मीडियम यानी कि मीडियम के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड वेरी कर रही होती है वो चेंज कर रही होती है साउंड वेव्स मूव फास्टस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो तेज मूव करती हैं साउंड वेव्स सॉलिड से करती हैं द साउंड वेव्स मूव फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स क्यों करती हैं अब अपने रीज़न बतानी है दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड मीडियम आर मच क्लोज टूगैदर दैन लिक्विड गैसेज अलाउिंग सॉर्ड वेवस ट्रैवल मोर क्विकली सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना जो सॉलिड्स आपके पास होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो मॉलिकल होते हैं है, वो बहुत क्लोज होते हैं जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं तो उससे क्या होता है तो मॉलिकुल्स क्लोज होने की वजह से जो कोलिजन होती है वो ज़्यादा होती है ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से क्या होता है जो अनर्जी ज़्यादा ट्रैवल होती है ठीक है जबकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं तो उनकी कोलिजन इतनी ज़्यादा नहीं होती तो कम एनर्जी ट्रैवल करती है स्प्रेड होती है जबकि गैसेज में और कम जो है पार्टिकल्स करीब होते हैं तो उनकी कोलिजन और कम होती है जिसकी वजह से बहुत कम एनर्जी जो है ट्रांसफर करती है तो रीज़न क्या है सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं जब वो बहुत क्लोज होते हैं तो जब वो वाइब्रेट करते हैं उनकी कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एनर्जी अपने से अगले पार्टिकल तक ट्रांसफ़र कर पाते हैं जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है तो इसका आंसर क्या था कि स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है और स्पीड ऑफ़ साउंड जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा होती है क्यों क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर स्पीड ऑफ़ साउंड है वो बहुत तेज़ी से जो साउंड है ना वो ट्रैवल करती है यानी कि उसके अंदर जो टाइम होता है ट्रैवल करने का साउंड का वो कम लगता है अगर प्रिसाइसली देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज़ ऑलमोस्ट फिफ्टीन टाइम्स देन इन एयर यानी कि एयर में जो स्पीड है ना साउंड की उससे पंद्रह गुना ज़्यादा है सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर एलेवन पॉइंट थ्री है हाउ कैन यू प्रूव डैट द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैकेनिकल नेचर को प्रूव करना है साउंड की ठीक है जो साउंड है ना बेसिकली उसको प्रोपोगेट करने के लिए उसे स्प्रेड होने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम मैकेनिकल नेचर बोलते हैं तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर हम साउंड के लिए साउंड uh, uh, की जगह अगर हम कोई मीडियम रख देते हैं तो साउंड स्प्रेड करें और अगर हम मीडियम हटा दें तो साउंड स्प्रेड ना करें तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करना है तो हम इसको प्रूफ करते हैं आइए पहला बात जो हमें वो बता रहे हैं कि अनलाइक लाइट वेव्स साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर दर प्रोपोगेशन लाइट वेव्स की तरह लाइट वेव्स में तो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि जो सन से जो रेज आ रही होती हैं हमारे पास वो स्पेस से गुजर के आती हैं स्पेस में कोई जो है एयर नहीं है कोई मीडियम नहीं है तो लाइट वेव्स की तरह हमारे पास साउंड वेव्स नहीं होती बल्कि साउंड वेव्स के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है ताकि वो प्रोपोगेट कर सकें वो स्प्रेड कर सकें अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो दिस कैन बी प्रूफ बाय बेल जार अपटर्स हम लोग एक बेल जार जारे अप्रेटर्स लेते हैं ये डायग्राम की मैंने बुक से उठाई है बेल और अपडेटर्स में क्या होता है एक इलेक्ट्रिक बेल होती है देखें ये इलेक्ट्रिक बेल है ये राउंड सी ठीक है इस तो इलेक्ट्रिक बेल को हम लोगों ने दो वायर्स के साथ हैंग किया होता है ये दो वायर्स हैं ठीक है जी आ, ये दो वायर्स हैं जिसके साथ हमने इनको हैंग किया हुआ है अब इन दो वायर्स को हम लोगों ने ऊपर पावर सप्लाई दी होती है पावर सप्लाई के साथ हम लोगों ने इसको अटैच किया होता है जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो ये जो बेल है ये वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है ऐसे ठीक है और जब ये वाइब्रेट करती है तो क्या होता है जब ये वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है और हम उस साउंड को सुन सकते हैं अब हम क्या करते हैं हम हमने पीछे से पावर सप्लाई ऑन किया हुआ है जो बेल है वो वाइब्रेट कर रही है जिससे हमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है हम साउंड को सुन पा रहे हैं हम एक वैक्यूम पम्प के थ्रू इसमें से जो एयर है ना इलेक्ट्रिक ये जो बेल जा रहा है उसमें ऑपरेटर में से जो एयर है हम उसको बाहर निकाल देते हैं हम यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं जब हम यहाँ से एयर बाहर निकाल रहे होंगे तो जो साउंड ऑफ द बेल है जो बेल की आवाज़ होगी वो धीमी होती जाएगी वो आस्था होती जाएगी और जब यहाँ पर कोई भी एयर नहीं बचेगी तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऑल दो पीछे से हमने पावर सप्लाई दी हुई है और जो बेल है वो वाइब्रेट कर रही है लेकिन हम उसे उस साउंड को नहीं हेयर कर पा रहे बिकॉज अब यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम ही नहीं है यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस क्रिएट कर दी है कोई एयर नहीं है तो हम लोग साउंड को नहीं सुन पाएंगे अब अगर हम दोबारा इसके अंदर एयर को इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा आपको दोबारा से आवाज़ सुनाई देनी देनी शुरू हो जाएगी दोबारा से जो आपको बेल की स्पीड है ना और बेल की जो साउंड है आप उसे सुन सकेंगे तो क्या आंसर बनेगा अनलाइक लाइट वेव्स साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोवेशन दिस कैन बी प्रूव्ड बाय जेल बार जल जार बेल जार ऑपरेटर उसको हम लोग बेल जार ऑपरेटर से प्रूव कर सकते हैं एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू पावर सप्लाई हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बेल को दो वायर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसको हम लोगों ने पीछे से पावर सप्लाई दी हुई है बाई स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई अगर हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग इलेक्ट्रिक बेल जो है वो रिंग करने शुरू हो जाएगी वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल हम लोग उस बेल की साउंड को हियर कर सकते हैं सुन सकते हैं नाउ स्टार्ट पम्पिंग आउट एयर फ्रॉम जार बाई मीन्स ऑफ वैक्यूम पम्प वैक्यूम पंप के थ्रू इसमें से जो एयर है उसे हम बाहर निकाल देते हैं उसे हम पम्प आउट कर देते हैं द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल जो बेल की साउंड है वो फीबल होने शुरू हो जाएगी यानी कि वो धीमी होने शुरू हो जाएगी आहिस्ता होने शुरू हो जाएगी एंड इवेंचुअली डाइज आउट और एक वक्त आएगा जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आप उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे ऑल दो द बेल इज स्टिल रिंगिंग बेल जो है रिंग कर रही है लेकिन अब आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे वेन वी पुट द एयर बैक इन द जार जब हम दोबारा उस जार के अंदर एयर को पुट बैक करेंगे उसके अंदर डालेंगे इंजेक्ट करेंगे तो वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल अगेन हम दोबारा से बेल की आवाज़ सुन सकेंगे फ्रॉम दिस एक्टिविटी उंड नीड एयर टू प्रोपोगेट इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि साउंड वेव को एयर है प्रोपोगेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर इलेवन पॉइंट फोर है जी वट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूजनल वेव डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूजनल नेचर ऑफ साउंड वेव हम लोगों ने यह बताना है कि लॉन्गिट्यूजनल वेव का क्या मतलब होता है इसकी डेफिनेशन बतानी है और सेकेंडली लॉन्गीजनल नेचर ऑफ साउंड वेव हमें साउंड वेव्स की लॉन्गील नेचर बतानी है तो पहले लॉन्गील वेव्स क्या होती हैं लॉन्गील वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं ठीक है जबकि जो वेव की डायरेक्शन होती है वो भी इसी डायरेक्शन में होती है तो लॉन्गनल वेव्स में क्या होता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ जिस डायरेक्शन में वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं ये वेव्स हैं हमारी उसी डायरेक्शन में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन इनके दरमियान जो एंगल होता है वो जीरो होता है इनके डायरेक्शन दोनों की सेम होती है तो इनको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूशनल वेव्स अच्छा अब लॉन्ग्यूनल नेचर ऑफ साउंड को हम लोग डिस्कस करते हैं जी नेचर क्या है साउंड की लॉन्गीचर longitudinal, longitudinal क्या है इसको रेस कर देता हूँ पहले मैं अच्छा जी इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे द लॉन्गिट्यूशनल नेचर ऑफ साउंड वेवस कैन बी अंडरस्टैंड बाई अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक हम लोगों ने ट्यूनिंग फोक ले लिया जिससे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूशनल होती है बिफोर दा वाइब्रेशन ऑफ़ ट्यूनिंग फोर कभी हम लोगों ने ट्यूनिंग फोर को वाइब्रेट नहीं किया हम लोगों ने उसे तो डिस्टर्ब नहीं किया देखिए एक ट्यूनिंग फोर है जिसकी यहाँ पे टू जो है यहाँ पे आर्म्स हैं ठीक है और अभी फिगर ए पे जो है ना उसकी जो राइट right वाली जो आर्म है वो पॉइंट ओ पर यानी कि मेन पोजिशन के ऊपर है उसे हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया अभी यह वाइब्रेट नहीं कर रहा तो अब ये बात होर करेंगे ट्यूनिंग फोर के राइट साइड पर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं ये एयर पार्टिकल्स हैं सारे ये सारे इनकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है यानी कि जो वॉल्यूम है वो यूनिफॉर्म है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया थ्रू आउट जो जगह है वहाँ पे आपकी जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं वो यूनिफॉर्म है उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है अब अगर हम क्या करें अगर हम इस जो उसकी फोक का जो ये वाली जो आम है इसे हम डिस्टर्ब करके पॉइंट बी पर लेकर आते हैं तो क्या होगा इस ट्यूरिंग फोक के जो राइट right पर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे उनके ऊपर यहाँ से एक प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से ये सारे पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे जब ये वाला पार्टिकल कंप्रेस होगा तो ये उससे अगले वाले पार्टिकल को कंप्रेस करेगा ये वाला कंप्रेस होगा तो उससे अगले वाले पार्टिकल कंप्रेस करेगा इस तरीके से आपकी जो पूरी यहाँ पे जो लेयर्स हैं एयर पार्टिकल्स की वो कंप्रेस हो जाएंगी यानी कि आपके ये ट्विनिंग फोर के जो राइट साइड पर जो पार्टिकल्स होंगे ये कंप्रेशन में आ जाएंगे यानी कि जो बॉलीक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे ठीक है जी अब नेक्स्ट केस में जब आपका थोड़ी देर बाद जब ये जो आर्म है ट्यूनिंग फोक का पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर देखें स्पेस क्रिएट हो गई है तो स्पेस को काकोबाई करने के लिए जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे वो दूर दूर मूव कर जाएंगे जब वो दूर दूर मूव करेंगे तो उससे क्या होगा यहाँ पर एक रेयर फैक्शन क्रिएट हो जाएगी यानी कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब ये है जिस डायरेक्शन में देखें वेव ट्रैवल कर रही है अगर इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह बैक एंड फोर्थ यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो इस डायरेक्शन में है जबकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो ऐसे बैक एंड फोर्थ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है जी अब इसमें वेव की डायरेक्शन इस तरफ है यानी कि वो इस तरफ मूव करेगी और जबकि जो पार्टिकल्स हैं वो भी बैक एंड फोर्थ ही वाइब्रेट कर रहे हैं तो यानी कि जो पार्टिकल तो मीडियम है वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ द वेव भी uh, उसी डायरेक्शन में है ठीक है जी तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स ऑन राइट साइड इज यूनिफॉर्म अगर हम लोगों ने अभी हम लोगों ने ट्यूनिंग फोक डिस्टर्ब नहीं किया तो उससे पहले जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है राइट right साइड पे वो यूनिफॉर्म है ठीक है जी वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द स्पेस वन द राइट पॉन्ज ऑफ ट्यूनिंग फोक जब हम लोग राइट right पॉन्ग को ट्यूनिंग uh, फोक को मूव करवाते हैं पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ यानी कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाते हैं तो इट एक्जर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजस्टेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स तो ये जो आपके पास पोंग है ये आ, जो आपका आम है ये नेक्स्ट जो उसके एडजस्टेंट पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ठीक है उससे क्या होगा जब वो प्रेशर लगाएंगे एडजस्टेंट एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो उनकी उनके अंदर एक कंप्रेशन जनरेट हो जाएगी तो वो एक वो जो है सारे वो कंप्रेशन में आ जाएंगे दिस कंप्रेस्ड एयर इन रिटर्न कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट ये जो लेयर है एयर की नेक्स्ट लेयर को फिर कंप्रेस करेगी ठीक है जी और ये फिर सिलसिला चलता रहेगा मोमेंट लेटर कुछ देर बाद द प्रोंग बिगिंस टू मूव फ्रॉम बी टू वर्ड्स है कुछ देर बाद जो प्रॉन्ग है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करने शुरू हो जाएगी जब इस तरह होगा तो जो प्रेशर है एडजस्टेड लेयर के अंदर ये जो लेयर है यहाँ पर वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी ना वॉल्यूम बढ़ गया वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा और एक रेयर फैक्शन जो है बन जाएगी रेयर फैक्शन क्या होती है जिसमें मीडियम uh, के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ठीक है जी यहाँ पे देखिए रेयर फैक्शन क्रिएट होगी है ये कंप्रेशन है और ये रेयर फैक्शन है दिस रेयर फैक्शन इज़ ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्टली नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन फिर ये जो रेर फैक्शन है नेक्स्ट पार्टिकल्स को लेके जाएगी फिर नेक्स्ट पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल तक रेर फैक्शन जाएगी और सारे पार्टिकल्स जो हैं उसके करीब करीब जो होंगे वो इलॉन्गेट uh, हो जाएंगे वो रेयर फैक्शन के अंदर आ जाएंगे एज द ट्यूनिंग फोक मूवज बैक एंड फोर्थ अब देखें ट्यूनिंग फोर्क क्योंकि बैक एंड फोर्थ रेपिडली मूव कर रही है तो सीरीज ऑफ़ एक्स कंप्रेशन और रेर में आपको इस जगह पर बनते हुए दिखाई देंगे और वैसे भी जो लॉन्गिट्यूडल वेव होती हैं उनमें कम्प्रेशन और रेयर फैक्शन बन रहे होती हैं तो इसमें भी कंप्रेशन और रेर फैक्शन बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि साउंड वेव्स जो हैं वो एयर में प्रोपोगेट कर रही है और लॉन्गिट्यूडल नेचर जो है साउंड की वो प्रूव हो गई है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अलेवन पॉइंट फाइव साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव साउंड वेव की फॉर्म होती है लिस्ट एट लीस्ट थ्री रीजन टू सपोर्ट दैट आइडिया डेट साउंड इज अ वेव हमारे पास हम लोगों ने तीन रीजन बतानी है तीन वजूहत बतानी है जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर पाएं कि जो तो साउंड है वो वेव की फॉर्म होती है साउंड वेव ही होती है तो द थ्री रीजनस टू जस्टिफाई दट साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव आर एस फॉलोज तीन क्या रीजन क्या हैं पहली रीज़न तो ये है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ़ वेव बिकॉज वेव्स पोजेस थ्री फिनोमिना जो वेव्स होती हैं ना वो तीन फिननाज को कैरी आउट कर रही होती है यानी कि वेव्स रिफ्लेक्ट कर जाती हैं रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है अगर एक वेव किसी सर्फेस के मीडियम के ऊपर जाके टकराती है जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मीडियम का को सर्फेस ड्रा किया हुआ है और यहाँ से एक रे आती है और इस पर टकराने के बाद आगे नहीं जाती बल्कि वो बाउंस बैक कर जाती है वापस आ जाती है ठीक है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट है वेव रेयर रिफ्लैक्शन क्या होता है ये आपके पास सरफेस है मीडियम की ये आपके पास रे आती है और वो इस सरफेस पर टकराने के बाद कुछ एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो जाती है कि उसका एंगल बन जाता है कोई ठीक है तो उसका मतलब होगा कि ये जो है रिफ्लेक्शन हो गया डायफ्लेक्शन क्या होता है अगर आपके पास दो ऑप्स्टिकल हैं इस तरीके से आपने ड्रॉ किए हुए हैं ये वेव यहाँ पर आती है दरमियान से और यहाँ पर आने के बाद जो है वो बेंड कर जाती है यूँ तो उसे हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन होगी ठीक है जी ये ऑब्स्टिकल से जो थोड़ी सी जगह नहीं होती स्पेस से अगर आपकी वेव्स बैंड कर रहे हैं उससे हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं तो वेव्स बेसिकली ये तीन फिनोमेना जो है वो कैरी आउट कर रही होती हैं और साउंड भी ये तीनों फिनोमेना कैरी आउट करती हैं साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है साउंड भी डायफ्लेक्ट होती है इसका मतलब है कि जो साउंड है वो एक वेव है सेकेंड रीज़न ये है कि साउंड हैज़ लॉन्गिट्यूजनल नेचर विच इज़ द प्रॉर्टी अभी हम लोगों ने पीछे में प्रूफ किया पिछले क्वेश्चन में कि साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गीट्यूटल नेचर जबकि लॉन्गूटल नेचर जो होती है वो वेव्स की होती है इसलिए हम बोलते हैं कि जो साउंड वेव है थर्ड रीजन है साउंड ट्रेवल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस ऑफ मीडियम टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर जिस तरह जो वेव्स होती हैं हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा चैप्टर नंबर टेन के अंदर कि वो मैटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं करवाती बल्कि एनर्जी को ट्रैवल करवाती हैं ठीक है जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ ही जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग तो दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस पॉइंट को मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक रोप है ठीक है जी और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ठीक है अब मैं यहाँ से इसको जग प्रोड्यूस जग दूंगा तो क्या होगा इधर वेव जनरेट हो जाएगी ना यहाँ पे यूँ और कुछ देर बाद ये जो वेव होगी ये आगे चली जाएगी दूसरे एंड पे ऐसे ही है ना बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ना वो मूव नहीं कर रहे बल्कि इधर जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की थी वो एनर्जी इन पार्टिकल्स ने ली है वो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए हैं उन पार्टिकल्स ने उस एनर्जी को अगले पार्टिकल पे ट्रांसफ़र किया है उस पार्टिकल ने अगले पे उस पार्टिकल ने अगले को इस तरीके से पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहे हैं जबकि जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करगी है ट्रांसफर हो गई है तो वेव्स बेसिकली एनर्जी ट्रैवल करवाती हैं पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेकिन वो मैटर ट्रैवल नहीं करवा रही होती हैं तो साउंड भी इसी तरह करती है साउंड भी जो है साउंड एनर्जी को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करवा देती है लेकिन उसके अंदर कोई मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता इसका मतलब है कि साउंड वेव की ही फॉर्म है तो हम लोग ने तीन रीजन अंडरस्टैंड कर लिए जिसकी वजह से हम ये बात कह है सकते हैं कि साउंड एक वेव की फॉर्म है फिर हमने लिख कि हैंड्स प्रूफ डैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेवन पॉइंट सिक्स वी नो डैट वेव्स मैनिफेस्ट फिनोमि ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है जो वेव्स होती है ना रिफ्लेक्शन करती हैं रिफ्लेक्शन करती हैं है और डायफ्लेक्शन करती हैं डज साउंड ऑल्सो मैनीफेस्ट डीज करेक्टर्स क्या साउंड भी ये काम करती है ये फोनोमना मैनीफेस्ट करती है तो आंसर है येस्ट साउंड ऑल्सो मैनीफेस्ट रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन एंड डायफ्लैक्शन ठीक है जी एलेवन पॉइंट सेवन है फिर वट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाउडनेस में और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या फ़र्क होता है और हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप को डराइव करना है तो पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं लाउडनेस क्या होती है जी लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन भी डिस्टिंग लाउडनेस बेसिकली साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग ऊंची और धीमी आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यानी कि अगर एक शख्स ऊंचा बोल रहा है दूसरा शख्स जो है वो आहिस्त बोल रहा है तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि इसकी आवाज़ ऊंची है इसकी आवाज़ कम है तो वो कौन सी चीज़ होती है वो लाउडनेस होती है हम बताते हैं कि जो ऊंचा बोल रहा है उसकी लाउडनेस ज़्यादा है आवाज़ की जो आहिस्ता बोल रहा है उसकी लाउडनेस कम है ठीक है और सेकेंड बात लाउडनेस को हम लोग डेस्टिबल्स के अंदर मैय कर सकते हैं ऑफ साउंड क्या होता है ऑफ साउंड बेसिकली है कि अगर हम साउंड एनर्जी वन साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया इट हेल्ड पर पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंटेंसिटी साउंड बेसिकली होती है जब हम लोग साउंड एनर्जी जो कि एक सेकंड में पास हो रही है और हम यूनिट एरिया के अंदर हम अगर देखते हैं और उससे हम लोग अगर वेव्स की डायरेक्शन के पेंडिकुलर रख दें तो वो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लाती है बेसिकली इसके यूनिट जो हैं ये बात थोड़ी कन्फ्यूजिंग है हम समझ लेते हैं एक तो ये फिजिकल क्वालिटी है दूसरी बात की जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है ये इसकी यूनिट कैसे बनी है देखिए साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड हमारे पास पावर का फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है जी तो एनर्जी यूनिट होती है जावल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड तो अगर हम एनर्जी डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो वो पावर बन जाते हैं पावर की यूनिट होती है वाड तो एनर्जी पर सेकंड जो है ये तो वॉड बन गया ठीक है तो पावर पर यूनिट एरिया अगर हम देखते हैं ना तो आपके पास वो इंटेंसिटी बन जाती है यानी कि वाड पर मीटर स्क्वर बन जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड यानी कि ये वार्ड बन गया साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया अगर हम यूनिट एरिया यूनिट एरिया यानी कि वन मीटर स्केयर यूनिट का मतलब होता है वन अगर हम यूनिट एरिया के अंदर देखते हैं और उसको हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं जो साउंड की स्प्रेड uh, करने की डायरेक्शन है उसके तो फिर हम कहते हैं कि वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वानिटी होती है उसकी यूनिट मैंने आपको बता दी है जो कि वार्ड पर मीटर स्केयर होती है अब इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है इनका रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी जो लाउडनेस है ना साउंड की वो इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के तो अगर हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें यानी कि दट इज एल इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई हो जाएगा मुझे प्रोपोशनैलिटी को कॉन्सटेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा जी एल इक्वल्स टू हम लोग के प्रोपोशनैलिटी कॉन्स्टेंटली लेंगे तो बन जाएगा एल इक्वल्स टू के लॉग आए मतलब जो के है वो क्या है कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोशनैलिटी है तो हम कहते हैं लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फिंटेस्ट ऑडिबल साउंड हम कहते हैं एल नॉट कोई ऐसी लाउडनेस है जो फिनटेस्ट ऑडिबल साउंड की यानी कि ऐसी आवाज़ जो तो सबसे धीमी तरीन आवाज़ है जो इंसान सुन सकता है उसे बोलते हैं फिनटेस्ट ऑडिबल साउंड तो हम कहते हैं वो एल नॉट है अगर एल नॉट फिनटेस्ट ऑडिबल साउंड है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट होगी और अगर एल अन नॉन साउंड की लाउडनेस है तो उस पर जो इंटेंसिटी होगी वो आई होगी ठीक है तो हमारे पास जो तो दूसरी क्वेश्चन बनती है वो बनती है एल नॉट इक्वल्स टू के लॉग आई नॉट ये क्वेश्चन नंबर वन है ये अनोन साउंड की और ये क्वेश्चन नंबर टू है uh, सपरेट करें कि इस में से क्वेश्चन को हम लोगों ने सपरेट करना है तो क्या बन जाएगा एल माइनस एल नॉट इक्वल्स टू के दोनों जगह पे कॉमन है ना राइट right साइड पे तो के आप कॉमन ले लें के कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या रहेगा लॉक आई माइनस लॉक आई नॉट वह आप लोगों ने लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि जब नंबर नम्ब, दो नंबर्स के दरियान में सब्ट्रैक्शन आ रही हो दोनों नंबर के साथ लॉग हो तो लॉग कॉमन आ जाते हैं और दोनों नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं यानी कि डिफरेंस वाला जो लॉग जिसमें की प्रॉपर्टी है लॉग आई माइनस लाइन लॉग आई नॉट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग आई डिडेड बाई आई नॉट लॉग शुरू में आ जाएगा और दोनों नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे बिकॉज दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है अब जो ये जो डिफरेंस है ना एल माइनस एल नाट ये ये डिफरेंस जो है द डिफरेंस एलिमेंट एल नॉट इसको हम बोलते हैं ये आपके पास इंटेंसिटी लेवल के लिए आता है डिफरेंस किसके बीच में है अननोन साउंड के बीच में और फिंट्रेस ऑडिबल साउंड के बीच में द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल इसका दूसरा नाम होता है डेसिबल लेवल तीसरा नाम होता है साउंड लेवल चौथा नाम होता है लाउडनेस लेवल में यानी कि आप इसके फोर नेम्स हैं आप फोर के फोर याद रखें कौन कौन सा इंटेंसिटी लेवल डेसिबल लेवल साउंड लेवल और लाउडनेस लेवल देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अनोन साउंड इज गिवन बाय फिर हम सिंपल इसकी जगह इंटेंसिटी लेवल पुट कर दें यह साउंड लेवल पुट कर दें तो वो बन जाएगा इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट अब जो के है ना यहाँ पर इसकी वैल्यू सिर्फ आई और आई नॉट की यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है बल्कि जो के है ये इंटेंसिटी लेवल की यूनिट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है ठीक है जी अब अगर हम लोग ये बात कहते हैं कि इफ इंटेंसिटी आई ऑफ एन अननोन साउंड इज अगर जो आई की इंटेंसिटी है ये जो आई है अननोन साउंड की इंटेंसिटी अगर आई नॉट से टेन टाइम्स ग्रेटर है टाइम ज़्यादा यानी कि आई जो है वो टेन आई नॉट के इक्वल है तो जो लेवल ऑफ साउंड की जो इंटेंसिटी है उसे हम बेल में लेंगे उसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेल और के की जो वैल्यू होगी वो वन बन जाएगी कैसे अगर हम आई तो की जगह टेन आई नॉट पुट करते हैं तो आई नॉट आई नॉट से कट जाएगा लॉग टेन की वैल्यू वन होती है तो आपके पास के जो है वो वन आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद उसके से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी के हमारा जो है उसकी वैल्यू वन होगी वो हम उसको इक्वेशन से निकाल देते हैं तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट ये बेल की फॉर्म में हमारे पास इक्वेश अगर हम लोगों ने बेल्स में निकालनी है ना इंटेंसिटी तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब सेकंड फॉर्म सेकंड जो यूनिट होती है इंटेंसिटी की वो होती है डेसिबल अब अगर हम लोग इंटेंसिटी को डेसिबल में मेर करना है तो वन बेल टेन डेसिबल के इक्वल होता है बेल बहुत बड़ी यूनिट है तो हम लोग डेसिबल्स में यूज़ कर रहे होते हैं जनरली तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आप इस इक्वेशन को सिंपल सिम्पल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू टेन लॉग आई जेड बा आई नॉट आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से हम लोगों ने लाउडनेस यानी कि लाउडनेस लेवल भी है ना यही चीज़ इस तरीके से हम लोगों ने लाउडनेस लेवल और इंटेंसिटी के दरमियान एक रिलेशन डिराइव कर लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.8 पॉइंट एट ऑन वट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स किन फैक्टर्स के ऊपर किन वजूहत के ऊपर किन चीज़ों के ऊपर जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिपेंड कर रही होती है तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं पहला फैक्टर तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर आपकी बॉडी जो वाइब्रेट करिए उसके एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो फॉर एक्जाम्पल अगर मैं एक ड्रम को बीट कर रहा हूँ और मैं अगर उसको ज़ोर से बीट करता हूँ तो क्या होगा जो वेव प्रोड्यूस होगी ना उसका एम फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक ड्रम है ठीक है इसको मैं ना यहाँ से स्टिक से बीट कर रहा हूँ अब अगर मैं ज़ोर से मारूंगा ना यानी ऊपर से हाथ लेकर कर आऊँगा और इतना ऊँचा ऊंची तरीके से मारूंगा इसको मैं यानी कि अगर मैं इसको ऊपर से लेकर आके मारता हूँ इसको हम इस तरह समझते हैं कि हमारे पास ना ये एक ड्रम है ठीक है अब अगर मैं इसको अपने हाथ को ना सिर्फ यहाँ से लेकर आता हूँ मतलब इतनी हाइट से लेकर आके मारता हूँ इसको तो उसके ऊपर कुछ आवाज़ प्रोड्यूस होगी अब अगर मैं यहाँ से स्टिक को लेकर आके इसके ऊपर जग मारता हूं, तो आपकी ऑब्वियसली uh, हाइट ज़्यादा होगी है ना मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से लगेगा ड्रम के ऊपर तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं कर क्या रहा हूँ मैं अपने जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ना उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा रहा हूँ इस केस में एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा बढ़ेगा जबकि इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा बनेगा तो अगर आप किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है उससे जो साउंड की लाउडनेस है वो बढ़ जाती है पहली चीज़ हमें समझ आ गई ठीक है दूसरा है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया बढ़ा दें एक हमारे पास ये ड्रम है छोटा सा एक हमारे पास ये ड्रम है इससे इसको बीट करने से आवाज़ ज़्यादा आएगी जबकि इसको बीट करने से आवाज़ कम आएगी अगर हम दोनों को सेम जो है उससे फोर्स से बीट कर रहे हैं ठीक है जी थर्ड रीज़न है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी जितना वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी लाउडनेस कम होती जाएगी यानी कि अगर आप करीब आके मुझे सुनेंगे तो आपको मेरी आवाज़ ऊंची सुनाई देगी अगर आप उसे दूर जाके मुझे सुनेंगे तो मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी तो ये तीन फैक्टर्स थे जिनके ऊपर लाउडनेस uh, जो है वो डिपेंड कर रही होती है ठीक है जी अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेवन पॉइंट नाइन वट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हम लोगों ने ये बताना है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है इंटेंसिटी लेवल का जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ना उसको हम लोगों ने डिफाइन करना है और सेकेंडली हमने ये बताना है कि उसका आ, उसको हम लोगों ने डिफाइन करना है और उसकी जो यूनिट का नेम देना है उसकी यूनिट क्या है उसको हम लोगों ने डिफाइन करना है ठीक है जी पहले इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड क्या होता है द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट ऑफ द फिनटेस्ट ऑडिबल साउंड हम लोगों ने देखा था एल माइनस एल नॉट करते हैं जब हम यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस ले रहे हो तो ये चीज़ हमारी इंटेंसिटी लेवल बनती है क्या है डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड एल नॉट ऑफ एन फिटेस्ट ऑडिबल साउंड अगर हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है वो इक्वल आता है डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम ऑफ टू इंटेंसिटीज तो वो दो इंटेंसिटीज के लॉगरिथम के इक्वल आता है ये देखें उसको हम बोलेंगे वो क्या है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है ठीक है जी डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड लाउडनेस एल नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम ऑफ टू इंटेंसिटीज जैसे यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्वेश्चन में ड्रॉ बनाया है ये ये डिफरेंस है लाउडनेस एल और लाउडनेस एल नॉट के दरमियान जो कि इक्वल होता है लॉगरिथम ऑफ टू इंटेंसिटीज एक इंटेंसिटी आई है दूसरी इंटेंसिटी आई नॉट है इसको हम बोलते हैं ये इंटेंसिटी लेवल है यानी कि साउंड लेवल है या डेसिबल लेवल है फिर डेफिनेशन होगी आगे यूनिट क्या है इसकी बेल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड हम लोग ने इंडस्ट्री लेवल ऑफ साउंड की जो तो यूनिट है वो बेल है इसको अगर हम लोगों ने निकालना है तो उसकी फॉर्मूला ये बन जाता है इंडस्ट्री लेवल इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट लेकिन जो बेल है वो एक लार्ज यूनिट है अगर हम लोगों ने स्मॉल यूनिट के अंदर इंडेंसटी लेवल को मैय करना है तो हम लोग डेसीबल यूज करते हैं तो वन बेल टेन डेसिबल के इक्वल होता है तो इक्वेशन बन जाती है हम लोग सिंपल इस इक्वेशन को टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे से लेवल टू डेसिबल बन जाएगा तो हम लोगों ने यूनिट्स की नेम भी दे दी है और हमने उसको आ, आगे जाके ये डिफाइन भी कर दिया कि बेल इज लार्ज यूनिट ऑफ इंडेसिटी ऑफ साउंड इफ द गिवन गेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स टेन टाइम्स ऑफ द फिटेस्ट ऑडिबल साउंड अगर आपके पास जो आई है आई नॉट के टेन टाइम्स बन जाए तो यूनिट ऑफ साउंड लेवल बिकम्स डेसिबल तो जो साउंड लेवल है वो डी बन जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अलेवन पॉइंट टेन वट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस लाउडनेस की यूनिट्स क्या होती हैं वाई डू वी यूज लॉगरिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिस वही है तो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा है कि लाउडनेस की जो यूनिट्स हैं वो बेल है और डेसिबल है लॉगरिथम स्केल को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इंटेंसिस को ईजिल कैलकुलेट कर सकें तो लॉग्रीथम स्केल ऑल्सो डो नोन एज डेसिबल स्केल जिसमें डी बी में वैल्यू दी होती है साउंड की तो उसे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें साउंड की इंडेंसिटीज को ईजिली कैलकुलेट कर सकें हम सिंपल फार्मूलाज यूज़ करते हैं उस लॉगरिथम स्केल को देखते हैं उसमें वैल्यू uh, देखते हैं कितनी है और उसके थ्रू तो हम लोग सिंपल से इंडेंसटी जो है कैलकुलेट कर पाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीकवेंसी एंड पिच फ्रिकुनसी में और पिच में क्या फ़र्क है और इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप हम लोगों ने ग्राफिकली डिस्क्राइब करना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं हम उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अगर एक सेकंड में थ्री वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो बोलेंगे थ्री हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है इसकी यूनिट क्या होती है बेसिकली हर्ट्स यूनिट होती है या वन बाई सेकेंड या पर सेकेंड पर सेकेंड इसको हम क्यों बोलते हैं यूनिट है, है क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम के रेसी है टाइम की यूनिट सेकेंड होती है ना तो फ्रीक्वेंसी यूनिट हो जाती है पर सेकेंड जबकि पिच क्या होती है पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेस साउंड पिच साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग एक शिर श्रिल का मतलब होता है एक पतली और ग्रे का मतलब होता है एक भारी आवाज़ में से फर्क कर सकते हैं देखिए इस पिच को और आपने लाउडनेस को कन्फ्यूज़ नहीं करना लाउडनेस क्या थी साउंड की वो प्रॉपर्टी जिससे हम लोग एक ऊंची और एक धीमी आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पिच साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग एक पतली जिस तरह बच्च बच्चों की आवाज़ पतली होती है और जो मर्द होता है उसकी आवाज़ भारी होती है तो इन दोनों आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो पिच कहलाती है आवाज़ की ठीक है जी अच्छा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है इन दोनों के दरमियान देर इज़ नो एज सच डिफरेंस बिटवीन दीज टू इसमें इन दोनों के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता क्योंकि जो पिच है ना पिच शो करती है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ साउंड ये क्वालिटी बता रही होती है हमें कि ये आवाज़ श्रिल है ये आवाज़ जो है ग्रेव है जबकि जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें क्वान्टिटेटी नेचर ऑफ साउंड दे रही होती है पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी और पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है यानी कि अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी जो पिच है वो ज़्यादा हो जाएगी और अगर आप फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं तो उसकी जो पिच है वो कम हो जाएगी अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, हैं। हम लोग ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ठीक है जी अब देखिए जो फर्स्ट वाला है इसमें इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये एक सेकेंड है ठीक है जी कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सिर्फ वन सेकेंड की बात कर रहे हैं वन सेकेंड के अंदर यहाँ पर कितनी वेव्स बन रही हैं वन टू थ्री तो फर्स्ट वाले में तीन वेव्स बनी है दूसरे वाले में एक सेकेंड में कितनी बनी है वन टू थ्री फोर फाइव दूसरे वाले में फाइव वेव्स बनी यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड ज़्यादा है इस केस में नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है और पिच भी जो है वो लो है इस केस में नंबर ऑफ यूनिट सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो ज़्यादा है वो फाइव हैं इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है और इसकी पिच भी ज्यादा है तो ये हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली है इन दोनों की अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेवन पॉइंट ट्वेल्व डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड हम लोगों ने अगर हम एम्पलीट्यूड में जो चेंज करते हैं उससे लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोगों ने ये बताना है और अगर हम फ्रीक्वेंसी में जो चेंज करते हैं उससे पिच पे क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोगों ने ये बताना है तो पहले तो एम्पलीट्यूड और साउंड लाउडनेस के दरमियान रिलेशन क्या है हम वो देख लेते हैं तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है ना वो एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि अगर आप किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो उस साउंड की लाउडनेस बढ़ जाती है इसको हम पिछले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं तो वो कह वह बाई इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर हम किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो जो लाउडनेस है साउंड की वो इंक्रीज़ कर जाएगी कैसे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मेरे पास यहाँ पर एक ड्रम है ठीक है उसको मैं यहाँ से ज़ोर से जो है ना मारता हूँ जैसे मैं स्टिक लेकर आ रहा हूँ उसको मैं जोर से इसके ऊपर मारूंगा तो क्या होगा बेसिकली एक बड़ी जो वेव है वो बनेगी तो इसका जो वेव लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सॉरी जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है अब अगर मैं इसको हल्का सा मारता हूँ तो उससे क्या होगा एक छोटी सी वेव वेव बनेगी उसका वेव लेंथ कम होगा इस वेव से जो साउंड बनेगी वो लाउड नहीं होगी कम लाउड होगी जबकि इस वेव से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे वेव का तो लाउडनेस बढ़ जाएगी यही हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो की हुई है कि अब देखेंगे ये जो वेवज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब है देख यहाँ पर देखें जरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक वो ज़्यादा है जबकि इसमें जो हाइट है वो कम है तो जब हाइट ज़्यादा होगी तो एम्प्लीट्यूड ज़्यादा होगा जिससे हमारे पास लाउंड लाउड साउंड जो है हमें वो सुनने को मिलेगी अगर यहाँ पे हाइट कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा जिससे हमें क्वाइट साउंड यानी कि हमें धीमी आवाज़ सुनने को मिलेगी एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल ये है द साउंड प्रोड्यूस बाय स्तार विल बी लाउड इफ़ वी व्लग इट्स वायर ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अगर हम उसकी वायर को बहुत तेजी से या बहुत ज़ोर से वायलेंटली का मतलब पता है ज़ोर से अगर हम उसे जर्क करेंगे हिलाएंगे तो क्या होगा ऊंची आवाज़ हमें सुनाई देगी जबकि सिमिलरली बाय बीटिंग द ड्रम फोर्सफुली अगर हम एक ड्रम को फोर्सफुली बीट करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव बढ़ जाएगी जिससे हमें एक लाउंड साउंड जो है वो हियर होगी ठीक है हम उसे सुन सकेंगे फिर सेकेंड रिलेशन बताना है फ्रीक्वेंसी का पिच के साथ हम इसको पीछे डिस, डिस्क्राइब कर चुके हैं दोबारा देख लेते हैं पिच ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ फ्रीक्वेंसी जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्वेंसी कम होगी तो पिच कम हो जाएगी ठीक है जैसे हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला है इसमें देखें वन सेकेंड के अंदर थ्री वेव्स बन रही हैं तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड कितनी है थ्री तो फ्रीक्वेंसी कम है इसमें नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें पिच ज़्यादा होगी इसमें फ्रीक्वेंसी कम है तो इसमें पिच कम होगी तो ये दोनों में फर्क इस वक्त हम लोगों ने इसको रिलेशन भी देख लिया एग्जाम्पल है जी द फ्रीकवेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रेन इज़ हायर देन डेड ऑफ़ मैन जो बच्चों की और जो औरतों की जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है ना वो ज़्यादा होती है मर्दों से इसीलिए हम कहते हैं कि जो तो लेडीज़ और तो चाइल्ड की जो आवाज़ है वो श्रिल है वो पतली है और उनकी जो पिच है वो ज़्यादा है उसको तो मतलब है कि पिच ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा पतली आवाज़ बनेगी और अगर हम पिच कम करेंगे तो क्या होगा भारी आवाज़ बनेगी ठीक है फिर एलेवन पॉइंट वन थ्री क्वेश्चन है जी इफ द पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज अगर हम लोग साउंड की पिच को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होता है अगर हम साउंड की पिच यूज़ करते हैं तो हमें यह बताया बड़ा चेंजेस इन एप्लीट्यूड तो फॉल इन और सारी चीज़ों के अंदर उन चेंजेस क्या आएंगी पहला है फ्रिक्वेंसी पर चेंज क्या आएगा वेव विलोसिटी पे चेंज क्या आएगा वेव लेंथ पर चेंज क्या आएगा, आएगा और एम्पलीट्यूड पर चेंज क्या आएगा तो अगर हम पिच बढ़ा देंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी हम लोग इस पर पीछे पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं फिर अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वेव लेंथ क्या होगा डिक्रीज कर जाएगी देखें यहाँ पर यहाँ से लेके वेवलेंथ क्या होती है बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखें कितना कितना है इतना डिस्टेंस है जबकि इसमें देखें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कम हो गया यानी कि जब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है तो आपकी जो वेव लेंथ है वो क्या करती है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है जी देखिए फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी है ना यहाँ पे फ्रिक्वेंसी uh, यहाँ पर uh, कम है तो इसकी जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा है इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो जो वेव लेंथ है वो कम होगी तो दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ तो अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे अगर आप पिच uh, अगर आप पिच बढ़ाएंगे तो क्या होगा उससे आपकी वेव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी फ्रिक्वेंसी और पिच दोनों डायरेक्टली हम लोग इसलिए फ्रीकुनसी से अंडरस्टैंड कर रहे हैं फ्रीवेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी फ्रीवेंसी कम होगी तो पिच कम होगी तो अगर हम पिच ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा वेव लेंथ कम हो जाएगी फिर थर्ड है वेव लॉसिटी वेव लॉसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पिच इंक्रीज करने से और ना ही एम्पलीट्यूड के ऊपर वेव की कोई फ़र्क पड़ा होगा अगर हम पिच को इंक्रीज़ करते हैं ठीक है फिर एलेवन पॉइंट वन फोर क्वेश्चन है इफ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट एम्पलीट्यूड पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ये पिच है लाउडनेस नहीं है पिच सिंपल की डिस्टिंग्विश करती है कि आपके पास जो साउंड है वो श्रिल है या ग्रेव है ठीक है तो इसलिए एम्पलीट्यूड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि सिर्फ जेव लेंथ पर फ़र्क पड़ेगा और फ्रिक्वेंसी पर फ़र्क पड़ेगा अब अगर हम इफ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग्स वाई स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े कर क्लैप करते हैं ताली बजाते हैं या बोलते हैं तो क्या होता है वी री हीयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद अपनी आवाज़ दोबारा सुनते हैं क्या आप इस आ, जो फिनमिना से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका आंसर है इफ़ वी क्लैप इन द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाईज स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हम किसी भी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर क्लैप करते हैं वी री हीयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद अपनी आवाज़ को दोबारा सुनते हैं आप किसी हिल एरिया में जाएंगे वहाँ पर भी अगर आप बोलते हैं तो क्या होता है पहाड़ों से आवाज़ लगे आपको दोबारा सुनाई दे रही होती है तो वो क्या होता है बेसिकली दिस साउंड वी हीयर इज़ कॉल्ड इको इस साउंड को हम इको बोलते हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की रिजल्ट है जो कि माउंटेन्स से हो रही है या बड़ी बिल्डिंग से हो रही है या खाली कमरा है तो उनकी वॉल से हो रही है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको क्या होती है व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम जब कोई साउंड किसी मीडियम के साथ आकर टकराती है तो इट बाउंसेज बैक टू द फर्स्ट मीडियम तो फर्स्ट मीडियम पर बाउंस बैक कर जाती है यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है दिस फिनिना इज़ कॉल्ड इको इसको हम इको बोल रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वॉल है ठीक है हम यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है ये एक बंदा है लेट्स सपोज ये बंदा खड़ा हुआ है एक ठीक है जी ये बोल रहा है इसके मुंह से ना जो आवाज़ निकलती है वो यहाँ पे आके टकराती है टकराने के बाद अगर वो दोबारा मीडियम से टकरा के फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको ये आवाज़ दोबारा सुनाई देगी यानी कि इको प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है तो ये रीज़न है कि हमें आवाज़ दोबारा क्यों सुनाई देती है क्योंकि इको प्रोड्यूस हो जाता है आप जो वेव्स Uh, जो जनरेट होती हैं जब वो दूसरे मीडियम पे आके इंसिडेंट करती हैं टकराती हैं तो अपने फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक कर जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कि इको प्रोड्यूस हो गई है और हम उसे सुन भी पाते हैं अपनी आवाज को दोबारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अलेवन पॉइंट वन फाइव वट इज़ द ऑडिबल फ्रीकुंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर एक ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की यानी कि कितनी फ्रिक्वेंसी तक इंसान सुन सकता है डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ द पीपल क्या ये जो रेंज है ये इंसान की एज से चेंज uh, हो रही होती है वेरी कर रही होती है इस्जाम्पल एक्सप्लेन करने है, हम लोगों ने इस आंसर को तो पहले तो हम बताते हैं तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स सबसे कम जो इंसान सुन सकता है वो ट्वेंटी हर्ड्स की आवाज सुन सकता है जबकि सबसे ज्यादा जो सुन सकता है वो ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स की आवाज़ सुन सकता है और येस दिस रेंज वेरीज विद द एज ऑफ पीपल अगर आप लोगों की एज से ये जो ऑडिबल uh, फ्रिक्वेंसी है ये चेंज हो रही होती है जो लोग बूढ़े होते हैं उनको कम सुनाई देता है उन्हें आप, आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा कि बूढ़े लोगों के सामने जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको ऊंचा बोलना पड़ता है क्योंकि आपकी आवाज़ वो नहीं सुन पाते तो ये कह रहे हैं जो यंग पीपल है जो यंग है जो तंदुरुस्त लोग हैं जिनको कोई मसला नहीं है दे कैन हीयर अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं दे कैन नॉट हीयर साउंडस इवन अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड यानी ये पाँच हज़ार की जो फ्रिक्वेंसी की कमी आ गई है ठीक है तो एज के साथ जो फ्रिक्वेंसी है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वो डिफर uh, कर रही होती है वेरी कर रही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन अलेवन पॉइंट वन सिक्स एक्सप्लें दैट नॉइज़ इज अ न्यूजेंस हमने ये बताना है कि नॉइज़ एक आ, परेशानी है नॉइज़ एक डिस्टर्बेंस है इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है सबसे पहले तो नॉइज होती क्या है साउंड विच हैव अनप्लेजेंट एंड जेयरिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयरस वो साउंड जिसका हमारे कानों के ऊपर नाखशगवार तंग करने वाला असर होता है उससे हम बोलते हैं कि वो साउंड वो नॉइस है ठीक है जी नॉइज़ क्यों प्रोड्यूस होती है नॉइज़ को टू इ एंड सडन वाइब्रेशन यानी कि अगर आप दरवाजे को बंद करते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है तो फ़ौरन से एक तो सडन वाइब्रेशन होती है और वो इ होती है तो जब सडन और इरेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी से तो हम कहते हैं कि वो नॉइज़ है तो वो साउंड नहीं रहती बल्कि वो नॉइज़ बन जाती है और नॉइज़ के ऑपोजिट होता है म्यूज़िक अगर आपके पास प्लेजेंट आवाज है अगर आपके कानों को जो है वो प्लेजेंट लग रही है तो हम उसे बोलते हैं वो म्यूज़िक है और अगर अनप्लेजेंट आवाज़ है सडन वाइब्रेशन हो रही हैं इ रेगुलर वाइब्रेशन हो रही है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे वो नॉइज़ है अब नॉइज़ न्यूजनस क्यों है क्योंकि फॉलोइंग रीजनस की वजह से पहला तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है हैज़ बिकम अ मेजर इशू इन बिग सिटीज़ बिग सिटीज़ के अंदर नॉइज़ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है बहुत बड़ा मसला है ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन इज नॉइज पोल्यूशन की एक मेजर सोर्स है इस डिस्टर्बेंस की मेजर सोर्स है फिर नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड नॉइज जो है वो एक साउंड होती है लोग इसको नहीं चाहते लोग इसे पसंद नहीं करते और जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हार्मुल होती है अब अगर एक बंदा जो है एक नॉइज इन्वायरमेंट में रहता है ना तो उसके अंदर चुभन आ जाएगी यानी कि वो जो है नेगेटिव uh, चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी अब uh, वो जो बंदा है वो लोगों से चिड़चिड़ा हो जाएगा वो उनसे इसी तरह बात नहीं कर पाएगा ठीक है और थर्ड एज नॉइज़ हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशन ऑफ एज हियरिंग लॉस स्लीप डिस्टर्बेंसिस हाइपर टेंशन एंड हाई स्ट्रेस लेवल नॉइज़ जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी कॉज कर रही होती है जैसे कि इंसान की हियरिंग लॉस हो जाती है अगर आप एक फैक्ट्री में काम करेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ है तो कुछ अर्से बाद आपको कम सुनाई देने शुरू हो जाएगा आप लोगों से जब बात करेंगे तो आप ऊंचा बात करेंगे ठीक है जी फिर आपको नींद नहीं आएगी स्लीप डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाती हैं फिर हाईपर टेंशन होने शुरू हो जाती है यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने शुरू हो जाता है और आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो इन रीजन की वजह से हम कहते हैं कि जो नॉइज़ है वो एक डिस्टर्बेंस है वो एक म्यूजेंस है एलेवन पॉइंट वन सेवन क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वस्टिक प्रोडक्शन एक्यूस्टिक प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस बतानी है पहले तो हम लोग देखते हैं कि कि्यूस्टिक प्रोडक्शन होता क्या है द टेक्निक और मैथड यूज़ टू एब्ज़ॉर्ब अन डिज़ायरेबल साउंडस बाय सॉफ्ट एंड पोरेस्ट हम लोगों ने पीछे नॉइस की बात की है ना तो वो टेक्निक जिससे हम लोग इस नॉइस को इस अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवा सकें इसे हम खत कम करवा सकें बाय सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंसेस कुछ पोरस और सॉफ्ट सर्विस को यूज़ करके जैसे तो हम बोलते हैं ये एक्यूस्टिक है यानी कि एक जगह पर नॉइस बहुत ज़्यादा है तो मैं वहाँ पर कोई ऐसी सर्फिस यूज़ करता हूँ जो कि सॉफ्ट है और उससे उस वो सर्फिस जो है उस अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन कर लिए है ठीक है एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इन रिजिड एंड स्मूथ सर्फेस अगर आपकी कमरे की जो सर्फिस है वो रिजिड है सख्त है और स्मूथ है बहुत ज़्यादा तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी और अगर आपकी सर्फेस सॉफ्ट है और उसमें पोर्स हैं पोरस है या इरेगुलर है तो आपकी जो तो रिफ्लेक्शन है वो कम होगी ठीक है सॉफ्ट पोलस मटीरियल सचर्स ड्रेपरीज जो आप कमरों में पर्दे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कर्टनज होते हैं वो और रग्स जो आप कलिन इस्तेमाल करते हैं जो आपने जमीन जमरी बिछाई होती है या जो चिटाई वगैरह होती है ये चीज़ें क्या करती हैं ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड को अनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपकी जो एकोज़ होती हैं और जो नॉइस होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा ना जब एक खाली कमरा होता है जिसके अंदर कोई फ़र्नीचर नहीं पड़ा हुआ कोई आपने कर्टन्स नहीं लगाए हुए कोई काबिट नहीं है तो वहाँ पर जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही होती है लेकिन जब एक कमरा फर्नीचर में भी पड़ा हुआ है उसके अंदर आपने कारपेट भी लगा दिया है कर्टन्स भी लगा दिए हैं तो उस फिर आपको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे दी बल्कि इको प्रोड्यूस नहीं होता उसके अंदर बेसिकली इन चीज़ों ने क्या कर दिया होता है आपकी जो आवाज़ है उसे वो सॉफ्ट कर देते हैं आपकी या फिर आवाज़ जो है वो इको प्रोड्यूस नहीं करती आपकी जो एनर्जी है साउंड एनर्जी उसे वो कम कर दिया जाता है इन चीज़ों को यूज़ करके ठीक है इसी को हम लोग एक्यूसिव प्रोडक्शन बोल रहे होते हैं तो आगे कह रहे हैं जी थर्स बाई यूजिंग सच मटीरियल्स इन नॉइस प्लेस वी कैन रड्यूज़ द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करके नॉइस पोल्यूशन को लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है हा लेकिन क्या होता है इफ़ द सर्फिस ऑफ़ द रूम इज़ टू एब्जॉर्बेंट लाइक अगर सर्फिस ऑफ द रूम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो क्या होगा द साउंड लेवल मे बी लो फॉर ऑडियंस हो सकता है जो ऑडियंस बैठी है उससे आपकी आवाज़ सुना ही सुनाई ना दे सुनाई ना दे वो उसकी आवाज़ को ही ना सुन पाएं तो सम टाइम्स वन साउंड रिफ्लेक्ट फ्राम द वॉल और कुछ टाइम ऐसे होता है कि जब साउंड जो है वो वॉल से छत से और रूम के फ्लोर से रिफ्लेक्ट करती है तो सर्फेस आर सो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होती हैं इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होती हैं कि साउंड बिकम्स गार्बल्ड साउंड जो होती है ना वो डिस्टॉर्टिंग हो जाती है डिस्टॉर्ट हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हम लोग हम सारे जो है ना ये एक ये रूम है हम यहाँ पर रूम में खड़े हुए हैं ठीक है और मैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है ठीक है जी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ये एक लड़का खड़ा हुआ यह बोलता है तो उसके बोलने से क्या होगा साउंड वेज इधर भी टकराएंगी इधर भी आके टकराएंगी इधर भी आके टकराएंगी टकराने के, तो के बाद क्या होता है ये रिफ्लेक्ट uh, कर जाती हैं ये रिफ्लेक्ट कर गई हैं हम कलर चेंज कर लेते कि पता लेट्स पोज ये टकरा के ना ये यूं रिफ्लेक्ट कर गई हैं अब ये भी रिफ्लेक्ट कर गई है ये भी रिफ्लेक्ट कर गई है। अब देखिए तीनों जो वेव्स हैं ये मिल गई हैं इस जगह पर आगे तो आपकी जो साउंड है ना वो गार्बल्ड हो जाएगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ की जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट इतनी ज़्यादा कर रही हैं कि वो मिक्स हो रही हैं मिक्स होने से क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होंगी वो डिस्टॉर्ट कर जाएंगी ठीक है आपको जो लोग बैठे होंगे आपकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे सही तरीके से तो ये भी मसला है ना तो आपकी जो जो रूम है वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होना चाहिए ना ही आपका जो रूम है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए फिर आगे वो कहते हैं ठीक है जी दिस इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रेवरब्रेशन इसको हम क्या बोलते हैं जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन शो करके बताइए ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती हैं इसको हम लोग रेवरब्रेशन बोलते हैं रेवरब्रेशन की वजह से जो आवाज़ है वो गाबड़ हो जाती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है इन द डिज़ाइन ऑफ़ लेक्चर हॉल अगर हमें लेक्चर हॉल डिज़ाइन करना होता है लेक्चर हॉल में आपको पता है आवाज़ हमें ज़्यादा चाहिए होती है तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं हमें उनको अपनी आवाज़ पहुँचानी होती है ऑडिटोरियम है उसमें और सारे लोग बैठे होते हैं द बैलेंस मस्ट बी अचीवड बिट्वीन रेवरब्रेशन एंड एब्जॉपन दोनों के दौरान बैलेंस एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए जनरली क्या होता है जनरली द रिफ्लेक्टिंग सर्विसज आर प्लेसड बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू ऑडियंस जनरली हम लोग क्या करते हैं जो स्टेज है ना उसके पीछे हम लोग ऐसे सर्विस लगाते हैं जो रिफ्लेक्टिंग हो ताकि जब हम बोलें तो हमारी आवाज़ पीछे वाली सर्फिस पर टकराए और आगे जाके ऑडियंस तक जाके जाए मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एक स्टेज है ना यहाँ पर जो वॉल होती है ना सारी पीछे जो है यह हम इसको रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं ताकि हमारी जो आवाज़ है वो यहाँ पर टकराए टकराने के बाद यहाँ पे सारी ऑडियंस बैठी हुई है सारी तो यहाँ पर एब्जॉर्ब ना हो बल्कि वो टकरा के अगर पीछे जा रही है जो आवाज़ तो आगे ऑडियंस तक आए ठीक है तो आ, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक बैलेंस रखना होता है कमरों के अंदर भी और ऑडिटोरियम्स के अंदर भी स्पेशली ताकि हमारी आवाज़ ना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट हो और ना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो क्योंकि अगर ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होगी तो वो गाबल्ड हो जाएगी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी फिर नेक्स्ट ने क्वेश्चन है एलेवन पॉइंट वन एट वट आर द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन मेडिसिन के अंदर अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड होती क्या है अल्ट्रासाउंड बेसिकली डेफिनेशन इसकी ये है द तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन ट्वेंटी थाउजेंड हट्स वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी बीस हज़ार हट से ज़्यादा होती है जिन विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर तो जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स है वो बीस हज़ार हट तक ही सुन सकता है तो वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी बीस हज़ार हट से ज़्यादा होती है जिसको इंसान नहीं सुन पाता उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या अल्ट्रासोनिक बोलते हैं इसके दो नेम्स हैं और हम लोगों ने इनकी मेडिसिन की केयर के अंदर के यूजेस uh, बताने हैं तो मेडिसिन के अंदर इनके नंबर ऑफ़ यूजेस हैं पहला यूज़ किया है जी अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग यूज़ करके बहुत सारी बीमारियों को एक तो डायग्नोस कर सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है और कहाँ पर बीमारी है और सेकेंडली हम लोग उन बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं उन्हें uh, सेहतियाब कर सकते हैं उन लोगों को फॉर डायग्नोसिस अगर हमें डायग्नोस करना है आइडेंटिफाई करना है अल्ट्रासनिक वेवस आर मेड टू इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स हम लोग क्या करते हैं डायग्नोसिस uh, के लिए हम लोग ट्रांसमीटर्स के थ्रू बॉडी के अंदर अल्ट्रासनिक वेवस को इंटर करवाते हैं हम लोग ट्रांसमीटर ऑन करते हैं तो सिम्पल जो अल्ट्रासनिक वेव्स होती हैं वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है दीज वेवस आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाई डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन होते होते हैं हमारी बॉडी की वो डिफरेंट तरीकों से यानी कि डिफरेंट उनकी रिफ्लेक्शन होती है कुछ रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं कुछ कम रिफ्लेक्शन करते हैं कुछ एंगल ज़्यादा होता है कुछ एंगल कम होते हैं डिफरेंट जो है ना रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गनस उस बेस पे ऑर्गन भी टिश्यूज़ भी ट्यूमर भी उस बेस पे क्या होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर जो वेव्स जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं ना वो एम्पलीफाइड हो जाती हैं हम उन्हें एम्पलीफाई करते हैं दे, देखिए हो क्या रहा है हम लोगों ने ट्रांसमीटर से जो वेव्स हैं उनको भेजा अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमारी बॉडी पर जाकर स्ट्राइक करती हैं डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से जो ट्यूमर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से उनको रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं फिर उन रिफ्लेक्टेड रेज़ को हम लोग कैप्चर करते हैं उन्हें हम एम्प्लीफाई करते हैं यानी कि उनकी जो वेव लेंथ होती है फॉर एग्जाम्पल जो असल में इतनी वेव लेंथ है तो हम उसको कैप्चर करके उसे एम्प्लीफाई कर देते हैं उसकी वेव लेंथ हम लोग इतनी ज़्यादा कर देते हैं ताकि हम ताकि फिर उस एम्पलीफाइड वेव को हम लोग स्क्रीन के ऊपर इमेज बनवाते हैं उसको यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग इमेज बनवाते हैं और फिर उस इमेज से हम लोग ये देखते हैं कि इस जगह पर जो है वो मसला है तो द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन देम्पलीसाइड टू मेक एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन सच एन इमेज टू डिफेक्ट्स इन द ऑर्गन तो ये जो इमेज होती है ये फिर मदद करती है अगर हम लोगों ने आ, किसी बंदे को अगर किडनी स्टोन होता है तो वो भी अल्ट्रासाउंडिक अल्ट्रासाउंड करवाता है अपनी अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि उसकी किस जगह पर किडनी स्टोन है क्योंकि किडनी स्टोन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से वेव को रिफ्लेक्ट करता है बाकी ऑर्गन डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस जगह पर जो है किडनी स्टोन है अब मैंने ये फिगर नेट से दे यहाँ पे डाली है ये एक अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंडिक्गजाम्प आपके पास इमेज बनी हुई है पता नहीं कौन सा ऑर्गन है मुझे तो नहीं पता लेकिन ये आप देखें डिफरेंट ऑर्गन ने डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और अल्ट्रासाउंड साउंड का यूज़ करके उन्होंने सीन के ऊपर ऐसे इमेज डिवेलप कर ली होती है और वो जो डॉक्टर्स होते हैं फिर यहाँ से इनको देख के सिंपल डाइग्नोज कर देते हैं कि यार ये जो जगह है ना यहाँ पर मसला है यहाँ पर जो चीज़ है वो नॉर्मल नहीं है सेकेंड यूज़ ये है कि हम लोग आ, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके हम आर्टरीज में जो ब्लड क्लॉटिंग हुई होती है हम उसे रिमूव कर सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि आपकी आर्टरी जिसमें से करंट जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर खून जम जाता है तो जब खून जम जाता है तो हम इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके उस जमे हुए खून को ट्रीट कर सकते हैं ठीक है अगर खून जम जाएगा ऑब्वियसली आपके आपके बॉडी में ब्लड ही फ्लो नहीं कर पाएगा तो आपके हो सकता है, तो है वो जो ऑर्गन्स हैं वो पैरालाइज हो जाएं आप ऑर्गन्स को जो भी आपकी टांग के नीचे हुआ हुआ है तो आपकी टांग मूव नहीं करेगी तो ये बहुत सवियर होते हैं तो हम इनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम ब्लड प्लाटिंग ख़त्म कर सकते हैं हम उनसे ट्रीट कर सकते हैं फिर थर्ड अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो भी यूज़ टू तो गेट द पिक्चर ऑफ़ थायरॉयड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस थायरॉयड ग्लैंड हमारे गले के अंदर होता है हम लोग अल्ट्रासाउंड का तो यूज़ करके उसकी भी पिक्चर जो है बना सकते हैं मतलब इस तरह की इमेज बन सकती है और हम लोग फिर जो है डायग्नोज कर सकते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर किस जगह पर मसला है ठीक है तो ये हम लोगों ने रिव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज